वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितेश, जहां पे आपको पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाती है और साथ ही साथ क्लासेस भी दिए जाते हैं। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो स्पेशल उन बच्चों के लिए रहने वाली है जो बिहार से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीसीसी 2025 एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड कि भाई फॉर्म कब आता है, फॉर्म का लास्ट डेट क्या रहता है, एग्ज़ाम कब तक होता है ना, बेस्ट बुक कौन से रहने वाली है। बीसीसी में जो काफ़ी सारे कोर्सेज आते हैं लाइक बीएससी नर्सिंग भी, फार्मा, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, तो सबसे बेस्ट कोर्स गर्ल्स के लिए कौन सा होने वाला है, बॉयज़ के लिए बेस्ट कोर्स कौन सा रहने वाला है, इसके बाद सिलेबस क्या है यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या रहते हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स क्या रहता है, पासिंग मार्क्स क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, बेस्ट बुक कौन से रहने वाले, यानी हर एक चीज़ को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन हाँ, मैं कहना चाहूँगा अगर आप बीसीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीसीसी स्पेशली बिहार बीएससी नर्सिंग की तैयारी दी जाएगी स्पेशली, है ना। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि सर एग्ज़ाम फॉर्म कब आता है। काफ़ी बच्चों का पूछना था कि सर बिहार बीएससी नर्सिंग 2025 का एग्ज़ाम फॉर्म कब आएगा। तो आपको बता दें, बिहार बीएससी नर्सिंग का फॉर्म अलग से नहीं आता, बीसीसी का एक एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आता है, ठीक है। और वो कब तक आता है यानी बीसीसी 2025 का एग्ज़ाम फॉर्म आएगा वो कब आएगा, एट द एंड ऑफ अप्रैल, यानी अप्रैल के लास्ट में, अप्रैल के लास्ट में फॉर्म आता है, ठीक है। तो आपको वही बीसीसी का फॉर्म अप्लाई करना होगा, उसके बाद एग्ज़ाम देना होगा। अगर आपका एग्ज़ाम में अच्छा रैंक आता है तो आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स मिल सकता है। काफ़ी सारे कोर्सेज आ जाते हैं बीसीसी के अंतर्गत, जैसे बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, बीएमएलटी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, है ना, काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, ठीक है। तो उन्हीं कोर्सेज में से एक कोर्स है बीएससी नर्सिंग, तो स्पेशली ये बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों के लिए वीडियो है ना। तो आपका जो फॉर्म आएगा बीसीसी का वो एट द एंड ऑफ अप्रैल आ जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग यानी मई तक जो है आप फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। मई तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, यानी वही 25 से 30 दिन का समय मिलता है यहाँ पे। सर फॉर्म फ़ी क्या रहने वाला है, तो जनरल ओबीसी ईबीसी वालों बच्चों के लिए फॉर्म फ़ी रखा गया है 1100, ठीक है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, ओबीसी में हो या ईबीसी में हो, ठीक है, तो आपका यहाँ पे 1100 रुपये फॉर्म चार्ज लगता है। लेकिन अगर आप एससी एसटी दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फॉर्म फ़ी है वो 550 है ना। मतलब हमारे एससी एसटी और दिव्यांग यानी विकलांग श्रेणी में जो बच्चे आते हैं उनके लिए 550 रुपये फ़ी रखा गया है। सर एग्ज़ाम कब तक होगा, बिल्कुल सर, अब एग्ज़ाम जो है ना ये आपका जुलाई में होता है। बात करें एग्ज़ाम का, तो एग्ज़ाम जो है ये जुलाई में हो जाता है, यानी अप्रैल में फॉर्म आएगा, मई लास्ट डेट रहेगा फॉर्म अप्लाई करने का, एक महीने का समय दिया जाता है, यानी जून तक आपको समय दिया जाएगा एक महीने का। उसके बाद जो है जुलाई में बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेता है। और उसके बाद मोड ऑफ एग्जामिनेशन यानी एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो बच्चों अभी तक तो ये एग्ज़ाम ऑफलाइन ही कंडक्ट होते हुए आ रहा है, ठीक है, तो ऑफलाइन ही होगा। मीडियम ऑफ लैंग्वेजेस यानी यहाँ पे बच्चों का पूछना था कि सर आप हमें ये बताइए जो प्रश्न पत्र मिलेगा यानी क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो हिंदी में रहेगा या इंग्लिश में रहेगा। तो आपको बता दें जो यहाँ पे मीडियम ऑफ लैंग्वेजेस रहेंगी यानी क्वेश्चन पेपर का, वो बाईलैंग्वेज है, यानी हिंदी में भी क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश में भी क्वेश्चंस रहेंगे। तो भाई किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, यानी यहाँ पर जो है बाईलैंग्वेज रहता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर बाईलैंग्वेज यानी जो क्वेश्चन रहेंगे, है ना, यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेंगे वो बाईलैंग्वेज में रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अब इसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अब थोड़ा सा सिलेबस जान लेते हैं सर, सिलेबस क्या रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी बच्चे सिलेबस को लेके परेशान थे। तो यहाँ पे मीडियम ऑफ लैंग्वेजेस जानने के बाद टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर स्पेशली आप, अगर आप स्पेशली बीसीसी में बीएससी नर्सिंग को टारगेट किए हैं या बीएमएलटी या बी फार्मा, ठीक है, तो आपका जो है देखिए 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होना चाहिए। देखिए वैसे तो पीसीबी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर पीसीएमबी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अगर पीसीएम है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो आप यहाँ पे मेडिकल का कोई कोर्स नहीं कर सकते, यानी आपको इंजीनियरिंग में जाना होगा, ठीक है। तो आपका 12th जो है ज़रूरी है, या तो देखो या तो पीसीबी से होना चाहिए या फिर बहुत बच्चों का होता है पीसीएमबी। तो अगर आप पीसीबी से हो
ट्वेल्थ या फिर PCME यानी फिजिक केमिस्ट्री मैथ बायो है आपका, तो आप इजली जो है BSc नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो सोचो कि अगर आपने ट्वेल्थ PCB से पास किया है, ओनली PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, तो देखिए फिजिक्स से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, फिजिक्स से आपके परीक्षा में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, फिजिक्स से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद केमिस्ट्री से भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बायो से भी जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे छात्र PCB से हैं, ट्वेल्थ PCB से किए हैं यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से किए हैं। तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हो, जब आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट करोगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट करोगे तो देखो फिजिक्स से 100 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 100 क्वेश्चन, बायो से 100 क्वेश्चन, यानी 300 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो टोटल क्वेश्चन कितना हुआ। टोटल अगर हम पूछें आपसे प्यारे बच्चों, टोटल कितना क्वेश्चन हुआ, तो टोटल जो है यहाँ पे 300 क्वेश्चन होता है। ठीक है, 300 यहाँ पे क्वेश्चन है टोटल। देखो फिजिक्स से 100 है, केमिस्ट्री से 100 है, बायो से 100 है, यानी टोटल 300 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है ना प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन वो कितना मार्क्स कैरी करता है, 4 मार्क्स। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होता है। तो यहाँ पे टोटल 300 क्वेश्चन हुए, तो 300 क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी करेंगे बताइए। अगर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है तो 300 क्वेश्चन यानी 300 में अगर आप 300 में अगर आप 4 से गुना कर दोगे तो ये कितना आ गया, 300 में अगर आप 4 से गुना करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 1200, यानी 1200 नंबर का, जी हाँ 1200 का ये एग्ज़ाम होता है, 1200 नंबर का ये परीक्षा होता है। ठीक है, अब इस 1200 में से अगर आप 600 प्लस भी लेके आते हो तो आपको इजीली BSc नर्सिंग, BMLT, BPharma इत्यादि कोर्स मिल सकता है। बात आ रही है समझ में? तो भाई अगर बिहार से BSc नर्सिंग करना है तो आपको BCC का फॉर्म अप्लाई करना होगा, और BCC का अगर फॉर्म अप्लाई करते हो तो ट्वेल्थ में PCB होना ज़रूरी है ना। तो PCB अगर है तो फिजिक्स से 100 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 100 क्वेश्चन, बायो से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो टोटल जो है यहाँ पे 300 क्वेश्चन हुए, यानी टोटल 300 क्वेश्चन हुए, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करेगा, तो 300 क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी करेंगे, 1200 यानी 1200 नंबर का ये एग्जाम होता है, और 600 प्लस लेके आओगे तो ये मिल जाएगा आपको कोर्स। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, और भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जिन्हें जान लेते हैं। देखिए एग्जाम मोड जो है, द एग्जाम विल बी कंडक्ट थ्रू ऑफलाइन, यानी ऑफलाइन एग्जाम होता है। मीडियम, द एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस, यानी जो क्वेश्चन पेपर रहेंगे वो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में रहेंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है यहाँ पे MCQ टाइप का रहने वाला है। ड्यूरेशन यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे देखिए द ड्यूरेशन ऑफ द पेपर विल बी 1 hour 30 minutes, यानी 90 मिनट टू सॉल्व द पेपर। यानी जैसे फिजिक्स का अगर हम बात करें इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट की, जैसे फिजिक्स से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो एक पेपर के लिए यहाँ पे आपको 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। केमिस्ट्री से भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो केमिस्ट्री पेपर को सॉल्व करने के लिए भी आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। उसी तरीके से बायो का भी जो है 100 क्वेश्चन है तो 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो देयर विल बी टोटल 100 क्वेश्चन इन द पेपर, यानी यहाँ पे एक जैसे पेपर है, जैसे फिजिक्स का पेपर है 100 क्वेश्चन रहेगा, है ना, केमिस्ट्री का पेपर है 100 क्वेश्चन रहेगा, बायो का पेपर है 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और इसके बाद देखिए नेगेटिव मार्किंग बच्चे पूछ रहे थे, तो आपको बता दें यहाँ पे देखिए अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हो तो 4 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है मार्किंग स्कीम क्या है, 4 मार्क्स विल बी गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। मतलब आप अगर एक क्वेश्चन सही करते हो, देखो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, अगर एक क्वेश्चन सही होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, 4 मार्क्स के हकदार होंगे आप लोग। ठीक है, लेकिन अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे 1 मार्क्स को क्या कर लिया जाएगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, 1 मार्क आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा प्यारे बच्चों, तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना। अब देखिए इसके बाद हम बताना चाहेंगे हमारे ऐसे छात्र जिन्होंने हमारे बैच से पढ़ के अपनी तैयारी की, BSc नर्सिंग में बच्चे टॉप किए हैं, सब टॉपर्स का मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये एक मेधावी सम्मान समारोह, यानी हमारे स्टूडियो में बच्चों को बुलाया गया और बच्चों को सम्मानित किया गया, यानी 2024 में जो छात्र टॉप किए थे हमारे इंस्टीट्यूट से, जिन्हें GNM, BSc नर्सिंग, ANM में एडमिशन इजिली मिल जाएगा, यानी बहुत ही ज़बरदस्त रैंक दिए हैं, उन सभी बच्चों को यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया गया, मेडल दिया गया, प्राइज़ भी दिया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे आए थे, पेरेंट्स भी आए थे, और ये हमारे टॉपर हैं संतोष कुमार, जिनका BCC में रैंक 52 है, और इसके बाद आदर्श राज का 78 है, तो काफ़ी सारे बच्चे हैं, पलक सिंह का 88 है, अनन्या सिंह 246 है, तो काफ़ी बच्चे जिन्होंने ज़बरदस्त रैंक दिया है। और प्यारे बच्चों बताना चाहूँगा, अगर आप भी
बीएससी नर्सिंग 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, अपनी तैयारी में चार चांद लगाना चाहते हैं, हर एक वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, हर एक वो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग हमारे ऑनलाइन बैच को परचेस कर सकते हैं। फिलहाल ऑफलाइन बैच में भी अगर आप इनरोलमेंट लेना चाहते हो तो ऑफलाइन बैच भी हमारा जो है चलता है। एड्रेस है 3rd फ्लोर NRI प्लाजा रोड नंबर 0 राजीव नगर पटना, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो जिस कोर्स का फी मात्र 599 रुपीज़ है, ठीक है, तो आप ये कोर्स भी ले सकते हो। न्यू बैच आया हुआ है रणनीति बैच, जहाँ पे आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, नोट्स, PDF, वीकली टेस्ट, उसके बाद PYQ भी करवाया जाएगा। अब इस बैच में इनरोलमेंट कैसे लेना है, तो आपको सबसे पहले हमारा ऐप है स्टडी विद रितेश, ठीक है, हमारा ऐप है यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, हमारा ऐप है स्टडी विद रितेश, उसको इंस्टॉल करना है, उसके बाद नंबर रजिस्टर करना है, पेड कोर्स में जाना है, वहाँ पे सेलेक्ट करना है रणनीति बैच, और उसके बाद बाय नाउ कर लेना है, बैच में ज्वाइन ले लेना है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस दिए गए नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बैच से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी जानकारी हो, आप दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको बैच से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल जो है अभी और भी इन्फॉर्मेशन है जो आपको हम बताएंगे, जैसे बेस्ट कोर्स गर्ल्स के लिए कौन सा रहेगा, बॉयज़ के लिए कौन सा रहेगा, है ना, और उसके बाद बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है, हर एक चीज़ को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ समझा, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने रहते हैं, 300 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 300 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, 300 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो 300 क्वेश्चन 1200 मार्क्स के हो जाएंगे। पासिंग मार्क्स, यानी अगर आप 600 प्लस ईजिली लेकर आते हो तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग जो है ये 1/4 है, यानी एक क्वेश्चन सही करोगे, एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो 4 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। बेस्ट बुक के लिए सर आप अरिहंत में जा सकते हो, अरिहंत पब्लिकेशन काफ़ी अच्छी बुक है, या फिर एक स्पेशली आता है प्रभात का, प्रभात पब्लिकेशन भी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। बाकी आप हमारे बैच को ज्वाइन कर लीजिए, आपको फुल कंटेंट मिलेगा, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे हम लोग पढ़ाएंगे, सभी टीचर्स, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हैं, ओके। तो चलिए, कैसी लगी वीडियो, यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मिलेंगे अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।